हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज बात करेंगे 10 मार्क्स की। जो बहुविकल्पी 10 मार्क्स आते हैं, आपको मैं कुछ ऐसी रचना और लेखक बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एकदम एकदम 100% गारंटी है, प्रश्न है वो बताऊंगा। हिंदी की कुछ प्रमुख रचना है, इसको 15 जितना बताऊंगा यार, पक्का याद कर लेना। ये सभी 2019 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदी की कुछ प्रमुख रचनाएं जो बोर्ड एग्जाम 2019 के लिए आ सकती है। तो पहला है त्रिवेणी, जितना बताऊंगा सब इम्पोर्टेंट याद करते चलो। पहला है त्रिवेणी। त्रिवेणी के लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। त्रिवेणी के रचयिता लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड, अजातशत्रु। अजातशत्रु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु को किसने लेखक है? जयशंकर प्रसाद जी। अजातशत्रु का रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। क्लियर है? याद करते चलो, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है, ठीक है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अतीत के चलचित्र को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने। फोर्थ है अवारा मसीहा, ये भी इम्पोर्टेंट है यार। अवारा मसीहा, अवारा मसीहा को लिखा था विष्णु प्रभाकर जी ने। अवारा मसीहा को किसने लिखा था? विष्णु प्रभाकर जी ने। नेक्स्ट है उजली आग। उजली आग मोस्ट इम्पोर्टेंट है यार, ये 2019 से पक्का आने के चांस है। उजली आग 15 जितने हैं, इसमें से एक भी मिस मत करना, सभी याद कर लेना। उजली आग, उजली आग को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। उजली आग को कौन लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है कामायनी। कामायनी भी इम्पोर्टेंट है। कामायनी को लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है हमारा भारतीय शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय शिक्षा को कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट है यामा। यामा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यामा को जरूर तैयार करना। यामा के रचयिता है महादेवी वर्मा जी ने। यामा को किसने लिखा था? महादेवी वर्मा जी ने। नेक्स्ट जो है रशीम और रशीम रथी, दोनों दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है छात्रों को कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। रशीम के रचयिता है महादेवी वर्मा जी ने, उनके लेखक रशीम के महादेवी वर्मा जी है। रशीम रथी के रामधारी सिंह दिनकर, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों याद कर लेना। दोनों अलग अलग है, ये भी बात क्लियर रख लेना, दोनों एक ही नहीं है, ठीक है। नाम मिलता जुलता है, इसमें सिर्फ प्रति आगे बढ़ चुका है, लेकिन सेम एक ही है, लेकिन रचयिता लेखक अलग अलग है। रशीम के महादेवी वर्मा, रशीम रथी के रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट हमारा है इंद्रजाल। इंद्रजाल को किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने। इंद्रजाल को नाम यार ऐसे ऐसे मैं लिखा हूं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पढ़कर ही लग रहा है कि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप सभी को याद करते चलो। नेक्स्ट इंद्रजाल, इंद्रजाल को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। उसके बाद 12 है शिक्षा और संस्कृति, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। शिक्षा और संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है अरिमा। अरिमा भी इम्पोर्टेंट है। सिंगार लहरी, सिंगार लहरी भी इम्पोर्टेंट है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, ठीक है। सिंगार लहरी को किसने लिखा था? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। और नेक्स्ट जो है अरिमा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। अरिमा, अरिमा आ सकता है, क्योंकि आप इसको नहीं तैयार करते हो, आपने कभी इसका नाम भी नहीं सुना होगा। जो बच्चे सुनेंगे वो तो सुनेंगे, अधिकतर बच्चे नहीं सुने होंगे। अरिमा का रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। नेक्स्ट है स्थूल भद्रास। स्थूल भद्रास जी को, इसके रचना को लेखक है जिन धर्म सूरी जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 साल आ चुका है। स्थूल भद्रास जी को लेखक जिन धर्म सूरी जी है, ठीक है। ये 15 जो थे मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना थे, इनके लेखक। अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ लेता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कोई एक रचना के बारे में लिखिए, तो आपका 2 काम हो गया, ठीक है। पहले आपको याद होगा कि इसके लेखक कौन है, फिर इनकी कौन सी रचनाएं हैं ये भी याद हो गया। तो इसको वीडियो देखने से पहले आपको 2 चीजें तैयार हो गई। पहला तो पूछेगा मान लीजिए इसके लेखक कौन है, या फिर इनकी एक रचना बताइए, तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो चाहिए जो एक वीडियो में 2 प्रश्न तैयार हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ये इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहती है। और मैंने इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो वहां पर भी जुड़ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।